बार बार देखो, इत्तेफाक, ए जेंटलमैन और अय्यारी, ये वे फिल्में हैं जो एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिरी और इन सब में लीड में दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा। इन चारों फिल्मों के मेकर्स ने आगे किसी भी फिल्म में सिद्धार्थ को रिपीट करने से पहले 100 बार सोचने का फैसला किया है। सिद्धार्थ को अब भी किसी तरह अपना करियर बचाने के लिए एक बिग हिट की सख्त जरूरत है। इस बीच सिद्धार्थ की झोली में गिरी एक फिल्म शॉटगन शादी। फिल्म की प्रोड्यूसर है एकता कपूर, जिन्होंने पहले भी सिद्धार्थ को लेकर फिल्म एक विलन बनाई थी। एक विलन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी और सिद्धार्थ की पहली ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ। लेकिन अब वक्त दूसरा है, अब सिद्धार्थ बड़े हीरो नहीं रहे, अब सिद्धार्थ के पास अपना सिक्का चलाने को कुछ नहीं है। तो अब उन पर गिरी है एक ऐसी गांज जिसे मानने पर सिद्धार्थ को हिंदी सिनेमा में मेल रागिनी का टैग मिल सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, एकता कपूर इन दिनों एंटरटेनमेंट की अडल्ट कंटेंट क्वीन बनने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रही है। उनकी कंपनी के मोबाइल ऐप पर इसी तरह के कंटेंट की भरमार है और अब एकता कपूर चाहती है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बिना नाकुर किए शॉटगन शादी में वह सब कुछ करे जो उनके इस ऐप को रातों रात उन सारे यूजर्स में चर्चा में ला दे जो देर रात के कंटेंट के लिए इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ इस तरह के इंटीमेट सीन्स करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में एकता कपूर ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। एकता कपूर अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले और सिद्धार्थ के मेंटर करण जौहर का सहारा ले रही है। खबर है कि एकता कपूर ने अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को शॉटगन शादी की बोल्ड सीन करने के लिए सिद्धार्थ को मनाने के लिए कहा है। खैर, आपको बता दें कि शॉटगन शादी में सिद्धार्थ एक बिहारी ठग के रोल में है और ये फिल्म बिहार में होने वाले पकड़ुआ विवाह पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन करेंगे आनंद एल रॉय के असिस्टेंट रह चुके प्रशांत सिंह। फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश जारी है। पुनीत सिंह, अमर उजाला, टीवी मुंबई।